तो देखते हैं आज का एडिटोरियल। कीप अप द प्रेशर, इसका मतलब है दबाव को बनाए रखना। इंडिया मस्ट सीक, सीक का मतलब होता है चाहना। द एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण का मतलब होता है कि एक देश से ये कहना कि भाई ये जो व्यक्ति है फला फला अपराध में हमें चाहिए, तो वो देश क्या करता है फिर उस देश को सौंप देता है। इसे कहा जाता है एक्स्ट्राडिशन, कि भाई कोई व्यक्ति जो अपराधी है या फिर किसी अपराध में वो किसी दूसरे देश को चाहिए तो उसे उस देश के द्वारा सौंप दिया जाना, इसे बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन, प्रत्यर्पण। ऑफ साजिद मीर फॉर हिज रोल इन द मुंबई अटैक्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत को ज़रूर जो है इस बात को चाहना चाहिए क्या कि साजिद मीर का प्रत्यर्पण हो सके, फॉर हिज रोल। और क्यों चाहिए साजिद मीर, फॉर हिज रोल इन द मुंबई अटैक, कि जो मुंबई हमले हुए थे उन मुंबई हमलों में साजिद मीर का भी अहम रोल था, यानी कि साजिद मीर का भी इन मुंबई हमलों में जो है योगदान था। तो कुल मिला के इसीलिए उसका प्रत्यर्पण भारत में हो सके, इसके लिए भारत को लगातार प्रयास करने चाहिए। रिपोर्ट्स इन पाकिस्तान्स न्यूज़पेपर्स, पाकिस्तान के जो अखबार हैं उनमें इस तरह की रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली है, दैट कि अ पाकिस्तानी कोर्ट हैज़ कन्विक्टेड, कन्विक्ट का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, गुनहगार ठहराना, साजिद मजीद मीर। तो कुल मिला के पाकिस्तान के अखबारों में हमें इस तरह की रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि दैट अ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी कोर्ट की एक पाकिस्तानी अदालत ने साजिद मजिद मीर को दोषी ठहराया है। अब देखते हैं साजिद मजिद मीर कौन है, उसके बारे में हमें बताया गया है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। वन ऑफ द मैन हु प्लान्ड द मुंबई 26/11 अटैक, कि ये जो मुंबई में 26/11 हमले हुए थे तो इन हमलों की प्लानिंग करने वालों में एक था साजिद मजिद मीर। तो इसे दोषी क्यों ठहराया गया है, क्या आरोप थे इसके ऊपर, ऑन टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस, चार्ज का मतलब है यहाँ पे आरोप, आतंक को पैसा उपलब्ध कराना, कि ये जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं इनको पैसा उपलब्ध कराना, तो ये चार्जेस साजिद मजिद मीर के ऊपर थे। तो कुल मिला के अब ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम हमें देखने को मिला है कि पाकिस्तानी कोर्ट ने साजिद मजिद मीर को दोषी ठहराया है, इसके अलावा ये जो रिपोर्ट्स हमें न्यूज़पेपर्स में देखने को मिली, ठीक है, इज़ वेलकम प्रूफ। तो पाकिस्तानी अदालत के द्वारा साजिद मजिद मीर को दोषी ठहराया जाना जो है इज़ वेलकम प्रूफ, ये एक स्वागतपूर्ण बिल्कुल प्रूफ है, एक सबूत है दैट द सर्च फॉर ईच ऑफ द मास्टर माइंड्स मस्ट नेवर बी गिवन अप ऑन। देखो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, जाने देना। तो ये इस बात का सबूत है कि ये जो तलाश है भारत की फॉर ईच ऑफ द मास्टर माइंड्स, कि ये जो मुंबई हमले हुए इसमें जो भी मास्टर माइंड्स थे जिन्होंने इसकी प्लानिंग की उनकी जो तलाश है मस्ट नेवर बी गिवन अप ऑन, तो इस तलाश को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, यानी कि ये तलाश जारी रहनी चाहिए। इन द केस ऑफ मीर, मीर के संबंध में अगर हम बात करें, मीर के केस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, पाकिस्तान्स सिक्योरिटी एजेंसीज हैड गॉन सो फार, मीर के केस में पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वे इस हद तक जा चुकी थी एज टू की फाल्सली डिक्लेयर हिम डेड, कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी इस हद तक चली गई थी कि उन्होंने मीर को जो है मृत घोषित कर दिया था। ही वाज रिपोर्टेडली सेंटेंस्ड टू मोर देन 15 ईयर्स इन जेल एंड इज सर्विंग हिज टर्म इन अ लाहौर जेल। ही वाज रिपोर्टेडली, इस तरह की रिपोर्ट हमें देखने को मिली है कि ही वाज रिपोर्टेडली सेंटेंस्ड, सेंटेंस का मतलब है किसी को आपने जो है सजा सुना दी है ना, सेंटेंस टू मोर देन 15 ईयर्स इन जेल, कि
मीर को 15 से अधिक सालों के लिए जेल में भेजा गया था, इस तरह की रिपोर्ट हमें देखने को मिली है। एंड इज सर्विंग हिज टर्म, टर्म का मतलब है आपको जिस टाइम पीरियड के लिए जो है जेल की सज़ा मिली है, कारावास का टाइम है ना, सर्व का मतलब है उस समय को काटना, यानी कि जो सज़ा आपको मिली है उस सज़ा को भुगतना। एंड सर्विंग हिज टर्म इन अ लाहौर जेल, और हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि मीर जो है अपनी सज़ा लाहौर जेल में काट रहा है। मीर द लश्करे तैयबाज़ फॉर्मर डेप्टी चीफ ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अब देखो मीर के बारे में और एडिशनल जानकारी हमें दी गई है। कौन है ये? लश्करे तैयबा का पूर्व उप मुख्य है ना, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस की लश्करे तैयबा के द्वारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है उसमें मीर की भूमिका रही है डिप्टी चीफ की, है ना, ये फॉर्मर पूर्व डिप्टी चीफ था एलईटी का। तो मीर के बारे में कहा जा रहा है, मीर हैज़ बीन वांटेड। वांटेड का मतलब है कि भाई पुलिस को ये व्यक्ति चाहिए ना, इस व्यक्ति की तलाश है, ये व्यक्ति चाहिए, वांछित। हैज़ बीन वांटेड फॉर हिज रोल इन रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब है भर्ती करना, फॉर द 26/11 अटैक्स, कि ये जो मुंबई में हमले हुए इन मुंबई हमलों में जिन लोगों की भर्तियां की गई ये इस आरोप में मीर भारत को चाहिए। बीइंग द हैंडलर फॉर डेविड हेडली, और क्या क्या आरोप है इसके ऊपर कि हैंडलर, अगर आप किसी के लिए हैंडलर का काम करते हो इसका मतलब है आप किसी व्यक्ति को असिस्ट करते हो, उसे सहयोग करते हो। तो मीर के ऊपर ये भी आरोप है कि इसने डेविड हेडली को असिस्ट किया, उसका सहयोग किया। अब डेविड हेडली कौन है? हु कैरिड आउट, कैरी आउट का मतलब है अंजाम देना। द हु कैरिड आउट द रिकॉग्नाइसेंस फॉर द LET। रिकॉग्नाइसेंस का मतलब होता है कि आप जो सर्वे करते हो ना किसी जगह का, किसी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हो तो उसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइसेंस। फॉर द लश्कर ए तैयबा ड्यूरिंग सेवरल विजिट्स टू इंडिया। अब इस डेविड हेडली ने क्या किया, सेवरल का मतलब है कई, भारत के कई दौरे किए, और उन दौरों के दौरान डेविड हेडली ने क्या किया, विजिट किया कि भाई जिस स्थान पर मुंबई हमले करने थे उन स्थान का जो है विजिट किया और वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त की, सूचनाएं इकट्ठी की, है ना। तो ये बताया गया हमें डेविड हेडली के बारे में, हु कैरिड आउट द रिकॉग्नाइसेंस, डेविड हेडली जिसने कि अंजाम दिया, किस चीज़ को अंजाम दिया, सर्वे करना, यानी कि इसने सर्वे करने का काम किया हमले के पहले, उस स्थान का परीक्षण करना, उस स्थान के बारे में सूचनाएं जुटाना। एंड फॉर बीइंग इन द कराची कंट्रोल रूम, और क्या आरोप है डेविड हेडली के ऊपर, फॉर बीइंग इन द कराची कंट्रोल रूम ड्यूरिंग द मुंबई सीज। सीज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्थान को घेर लेना। तो मुंबई पे जब हमले हुए और आतंकवादियों के द्वारा मुंबई को घेर लिया गया तो उस समय कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर रहा था डेविड हेडली, है ना, और ये कहाँ था, कराची में था। हेडली नेम्ड मीर इन हिज डिपोजिशन, डिपोजिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट जो दिया जाता है ना अदालत में उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, है ना, कोई भी रिटन स्टेटमेंट जो दिया जाता है ना अदालत में, टू अ US कोर्ट, कि एक अमेरिकी अदालत में अपने स्टेटमेंट में हेडली ने मीर का नाम लिया। आफ्टर ही वॉज गिवन अ प्ली बार्गेन, देखो प्ली बार्गेन का मतलब क्या होता है, कुछ लीगल सिस्टम्स के अंतर्गत, कुछ लीगल सिस्टम्स के अंतर्गत अपराधी से कहा जाता है कि भाई अगर आप अपना अपराध स्वीकार कर लेते हो तो आपको थोड़ी कम सज़ा दी जाएगी, इसको हम बोलते हैं प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन का मतलब हुआ एक एग्रीमेंट, इसके तहत जो दोषी व्यक्ति है वो ये मान लेता है कि हाँ वे दोषी हैं तो फिर उनको थोड़ी कम सज़ा दी जाती है। तो एक प्ली बार्गेन हुआ बाय द US गवर्नमेंट, है ना, अमेरिका में प्ली बार्गेन के दौरान डेविड हेडली ने क्या किया, मीर का नाम अपने स्टेटमेंट में लिया। एज वेल एज इन डिपोजिशंस, एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ, एज वेल एज इन डिपोजिशंस वाया का मतलब होता है के माध्यम से, वाया वीडियो लिंक
फॉर द 26/11 ट्रायल का मतलब है सुनवाई इन इंडिया, कि डेविड हेडली की सुनवाई भारत में भी हुई वीडियो लिंक के माध्यम से। तो उस दौरान जो उसने स्टेटमेंट्स दिए उसमें भी मीर का नाम था। मीर इज ऑल्सो वॉन्टेड फॉर LET कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र। तो मीर की इस संबंध में भी जो है तलाश है। मीर इज ऑल्सो वॉन्टेड फॉर LET कॉन्स्पिरेसी टू अटैक अ डैनिश न्यूज़पेपर। कि भाई मीर इस अपराध में भी चाहिए। कौन सा अपराध? कि लश्कर ए तैयबा के द्वारा षड्यंत्र रचा गया एक डैनिश अखबार पर अटैक करने का। टू अटैक अ डैनिश न्यूज़पेपर, कि भाई डेनमार्क से संबंधित एक न्यूज़पेपर है उस पर अटैक किया गया, और उस अटैक में जो साजिश रची गई वो भी उसमें भी LET का योगदान था और ख़ास करके मीर का। अक्यूज्ड ऑफ पब्लिशिंग ब्लेसफेमस कार्टून्स। देखो ब्लेसफेमस का मतलब होता है ईश्वर निंदा संबंधी, ईश्वर या धर्म से संबंधित जो चीज़ें हैं ना उनकी निंदा संबंधी, उसको हम बोलते हैं ब्लेसफेमियस कार्टून। तो एक डेनिश न्यूज़पेपर था, उसने कुछ कार्टून पब्लिश किए, और ये जो LET है उन्होंने इस डेनिश न्यूज़पेपर पर अटैक किया और आरोप क्या लगाया, अक्यूज्ड ऑफ, क्या आरोप लगाया, पब्लिशिंग ब्लेसफेमस कार्टून्स। ये आरोप लगाया LET ने डेनिश न्यूज़पेपर के ऊपर कि इन्होंने ईश निंदा संबंधी कार्टून पब्लिश किए। इसके अलावा मीर जो है एंड बॉम्ब अ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इन ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा मीर और किस बात के लिए दोषी है? बॉम्ब अ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, कि एक जो परमाणु प्रतिष्ठान है उसके ऊपर भी जो है हमला किया है ना ऑस्ट्रेलिया में। ही वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड। कन्विक्ट का मतलब है दोषी करार देना, किसी को गुनहगार करार देना। ही वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड बाय अ फ्रेंच कोर्ट फॉर रिक्रूटिंग, रिक्रूट यानी भर्ती करना, LET ऑपरेटिव। LET ऑपरेटिव का मतलब हुआ वे लोग जो लश्कर ए तैयबा को ऑपरेट करते हैं। तो एक फ्रेंच अदालत के द्वारा मीर को इस बात के लिए भी दोषी ठहराया गया कि मीर ने लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए भर्तियां की। एंड इज़ बिलीव्ड टू हैव ऑल्सो रिक्रूटेड, और मीर के बारे में ये भी विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है, टू हैव ऑल्सो रिक्रूटेड टेरर वॉलंटियर्स इन द वर्जीनिया पेंटहॉल जिहाद केस इन द US। कि अमेरिका में एक केस हमें देखने को मिला, वर्जीनिया पेंटबॉल जिहाद केस। तो इस केस में जो भी वॉलंटियर्स की भर्ती की गई है ना, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक, टेरर वॉलंटियर्स है ना, कि भाई आतंकवाद से संबंधित काम को अंजाम देने के लिए जो वॉलंटियर्स की भर्तियां की गई उसमें भी मीर इन्वॉल्व था। द टाइमिंग ऑफ मीर्स कन्विक्शन, कि मीर को दोषी ठहराने की जो टाइमिंग है, अपीयर्स प्रतीत होती है टू बी लिंक्ड, मीर को दोषी ठहराने की टाइमिंग जो है ऐसा लगता है कि जुड़ी हुई है, किस चीज़ से, टू द फाइनल स्टेजेस ऑफ पाकिस्तान्स ग्रे लिस्टिंग एट द FATF दिस जून। देखो पाकिस्तान को क्या है कि FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखना कि कौन लोग या फिर कौन देश जो है आतंकवादियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। तो पाकिस्तान जो है इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल था, लेकिन इसकी फाइनल स्टेज चल रही थी। फाइनल स्टेज का मतलब है कि भाई पाकिस्तान के बारे में जो है ये देखा जा रहा था कि हाँ पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रहा है, तो फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा ना, ऐसी फाइनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी। दैट वॉटेड टू अलाउ ऑन साइट विजिट्स इन पाकिस्तान। तो इस जून में FATF की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये कहा गया है ना, क्या कहा गया, दैट वॉटेड टू अलाउ ऑन साइट विजिट्स इन पाकिस्तान, कि भाई पाकिस्तान में पर्टिकुलर जगह पर विजिट्स किए जाएं, दौरे किए जाएं, विद अ व्यू टू डीलिस्टिंग इट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। और ये जो विजिट करने की बात कही गई थी पाकिस्तान में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कही गई थी
कि पाकिस्तान को आने वाले कुछ महीनों में FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे डीलिस्ट किया जा सके, यानी कि ग्रे लिस्ट से बाहर किया जा सके। व्हाइल मीर इज़ नॉट एक्चुअली ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स 1267 लिस्ट ऑफ टेरर डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल, जबकि मीर जो है वास्तव में, देखो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने 1267 व्यक्ति जो हैं उनकी लिस्ट बनाई है और इनके बारे में कहा है इनको टेरर डेजिग्नेटेड, यानी कि इनको आतंकी गतिविधियों में संलिप्त माना है और कहा है कि भाई ये जो है आतंकवादियों की लिस्ट में और इनको इनकी तलाश है। तो कुल मिला के मीर का नाम इन 1267 आतंकवादियों की लिस्ट में नहीं है। दैट द FATF इज मैंडेटेड टू परस्यू। अब ये जो 1267 आतंकी हैं, FATF इज मैंडेटेड, FATF को इस तरह का आदेश है ना, मैंडेटेड टू परस्यू, परस्यू का मतलब है फॉलो करना, कि FATF को इस तरह का आदेश है कि ये जो 1267 आतंकवादियों की लिस्ट है इस लिस्ट को फॉलो किया जाए ना, कि भाई जो भी इस लिस्ट के अंतर्गत आते हैं उनको पकड़ा जाए। तो मीर हालांकि इस लिस्ट में नहीं है। द वेस्ट हैज़ फ्रिक्वेंटली ब्रॉट हिज नेम अप एट FATF प्रोसीडिंग्स, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने लगातार मीर का नाम लाया है एट द FATF प्रोसीडिंग्स, कि FATF की जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन प्रोसीडिंग्स के दौरान मीर का नाम कई बार वेस्ट कंट्रीज ने रखा, इन डिमांडिंग, ये डिमांड करते हुए दैट पाकिस्तान सक्सेसफुली कन्विक्ट लीडर्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, है ना, ये डिमांड करते हुए कि पाकिस्तान जो है वो सफलतापूर्वक दोषी ठहराए उन लीडर्स को जो कि लीडर्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, कि आतंकवादियों के ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनको पाकिस्तान सफलतापूर्वक दोषी ठहराए, ये डिमांड कई बार वेस्ट कंट्रीज की तरफ से की गई। इफ मीर इज इन फैक्ट बिहाइंड बार्स, कि यदि वास्तव में मीर जो है वह बिहाइंड बार का मतलब होता है जेल में होना, है ना, बिहाइंड बार, कि वास्तव में अगर मीर जेल में है, न्यू दिल्ली मस्ट मूव क्विकली, तो भारत सरकार को बड़ी शीघ्रता से कदम उठाना चाहिए टू डिमांड, और ये डिमांड करनी चाहिए हिज एक्सट्राडिशन, कि मीर का भारत में प्रत्यर्पण किया जाए, टू स्टैंड फॉर ट्रायल इन इंडिया, ताकि भारत में उसकी जो है ट्रायल हो सके। ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, यानी कि अदालत में जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स होती है ना, जिसके बाद में दोषी ठहराया जाता है कोई व्यक्ति, इसको कहा जाता है ट्रायल। तो कुल मिला के मीर की ट्रायल भारत में हो सके इसके प्रत्यर्पण के प्रयास भारत को करने चाहिए। एडमिटेडली का मतलब है स्वीकार्य रूप से, दिस इज अ वर्चुअली का मतलब है कंप्लीटली इम्पॉसिबल टास्क, हालांकि मीर का प्रत्यर्पण जो है लगभग बहुत ही असंभव काम है। क्यों? गिवन इस बात को देखते हुए द पुअर स्टेट ऑफ बायलेटरल टाइस, कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन, यानी कि द्विपक्षीय संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच ठीक नहीं है, तो कुल मिला के इन संबंधों को देखते हुए प्रत्यर्पण का जो काम है वो लगभग इम्पॉसिबल लगता है। न्यू दिल्ली मस्ट ऑल्सो रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी बात को पहचानना, कोई गलती आपसे हुई तो आप उस चीज़ को पहचानते हो, तो भारत सरकार को इस बात को भी पहचानना चाहिए। द एरर इन नॉट परस्यूइंग मीर्स एडिशन टू द UNSC लिस्ट थस फार, थस फार का मतलब है अब तक, कि UNSC की आतंकवादियों की जो लिस्ट है उसमें मीर के नाम को ऐड करने के लिए भारत ने अब तक प्रयास नहीं किए, ये भारत की गलती रही है, भारत को इस गलती को पहचानना चाहिए। एंड लॉन्च का मतलब है शुरुआत करना, अब कंसर्टेड का मतलब है बिल्कुल एकजुट होकर, इंटरनेशनल है ना, पूरी ताकत लगाकर, कंसर्टेड कंटर कंसर्टेड इंटरनेशनल एफर्ट, और भारत को क्या करना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की शुरुआत करनी चाहिए फॉर मीर
टू बी प्रोसिक्यूटेड, ताकि मीर के ऊपर, ताकि मीर को जो है प्रोसिक्यूट किया जा सके, उसके ऊपर अभियोग लगाया जा सके, फॉर द नंबर ऑफ टेरर अटैक्स ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन, कि उन आतंक, उन कई सारे आतंकवादी हमलों के लिए जिनमें मीर शामिल रहा है, तो इसके लिए मीर के ऊपर अभियोग लगाया जा सके, अभियोग चलाया जा सके, उसके लिए भारत को क्या करना चाहिए, बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, नॉट जस्ट फॉर टेरर फाइनेंसिंग। तो कुल मिला के मीर के ऊपर अभियोग चलाया जाना चाहिए सिर्फ इस बात के लिए नहीं, टेरर फाइनेंसिंग का मतलब है आतंक को पैसा उपलब्ध कराना, है ना, कि भाई टेरर फाइनेंसिंग के चार्ज तो उसके ऊपर हैं ही, इसके अलावा अन्य जो हम अन्य जो कुल मिला के अन्य जो आरोप है उसके ऊपर, है ना, कि भाई वो कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है, इनके लिए भी उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। एज विज हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी एंड अदर LET मेंबर्स, कि अगर हम बात करें हाफिज सईद है, जकीउर रहमान लखवी है, इसके अलावा अन्य लश्कर तैयबा के मेंबर्स हैं, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है टू कीप द स्पॉटलाइट। देखो, कीप द स्पॉटलाइट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति पे निगाहें बनाए रखना, है ना, उसको सुर्खियों में बनाए रखना, टू कीप द स्पॉटलाइट ऑन मीर। तो कुल मिला के ये जो प्रमुख आतंकवादी हैं, जैसे कि हाफिज सईद है, जकीउर रहमान लखवी है, तो इसी या फिर अन्य लश्कर तैयबा के मेंबर हैं, उन पर जिस तरह से हम आँख रखे हुए हैं, उसी तरीके से इसके ऊपर भी जो है कुल मिला के ध्यान रखना ज़रूरी है, मीर के ऊपर भी, गिवन इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। द प्री डायलेक्शन, प्री डायलेक्शन का मतलब होता है एक तरीके का रुझान, ऑफ पाकिस्तान्स लीगल अथॉरिटीज़ फॉर रिवर्सिंग कन्विक्शंस एंड रिड्यूसिंग द सेंटेंसिंग ऑफ टेररिस्ट। कुल मिला के एक इस तरह की टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान में, क्या, पाकिस्तान लीगल अथॉरिटीज़ फॉर रिवर्सिंग कन्विक्शन, कि कन्विक्शन का मतलब है कि किसी की दोष सिद्धि, कि पाकिस्तान में हमने कई बार देखा है कि किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि को पलट दिया जाता है, एंड रिड्यूसिंग द सेंटेंसिंग ऑफ टेररिस्ट। और हमें पाकिस्तान में ये भी देखने को मिला है कई बार कि आतंकवादी जो हैं उनको जो सज़ा सुनाई गई है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। वंस, एक बार जब द हीट फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज रिड्यूसेस, कि भाई मान लो कोई मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर बहुत ही माहौल गर्माया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तब तक तो पाकिस्तान ऐसा दिखाता है कि वो एक्शन ले रहा है, लेकिन जैसे ही वो मुद्दा ठंडा पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस मुद्दे की चर्चा कम हो जाती है, तो फिर हम क्या देखते हैं, इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती है कि पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में कई बार जिन व्यक्तियों की दोष सिद्धि हो चुकी है उनका अपराध जो है उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कन्विक्शंस को पलट दिया जाता है, या फिर आतंकवादियों की जो सजा है उसको कम कर दिया जाता है। दिस विल बी पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, खास करके एज पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड, कुल मिला के पाकिस्तान पर निगाहें बनाए रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी होगा, वो इसलिए कि ऐसी उम्मीद है, पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव का मतलब है प्राप्त करना, अ फुल रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब है, होता है दंड मुक्ति, या फिर इसको आप कह सकते हो एक तरीके से राहत, रिप्रीव एट द FATF इन अक्टूबर, कि अक्टूबर में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग के दौरान ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा, है ना। तो कुल मिला के इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान पे निगाहें रखी जाएं, एंड इट मस्ट बी मेड क्लियर, और इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट किया जाना चाहिए दैट द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू परस्यू का मतलब है फॉलो करना, कि भारत सरकार जो है लगातार फॉलो करती रहेगी द लीगल प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया को, अगेंस्ट ईच ऑफ द मैन बिहाइंड द मुंबई अटैक्स, कि मुंबई हमलों के पीछे प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ भारत जो है लीगल प्रोसेस जारी रखेगा, ये बात भी भारत को बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए, अनटिल दे आर ब्रॉट टू जस्टिस। देखो, ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब होता है कि भाई किसी व्यक्ति को
किसी मामले में गिरफ्तार करना, उसकी अदालत में सुनवाई करना और फिर उसे सज़ा सुनाना, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं ब्रिंग टू जस्टिस। तो कुल मिला के जब तक है ना, अनटिल है ना, कि भाई जब तक ये जो भी व्यक्ति हैं जो कि मुंबई हमलों के दोषी हैं उनको पूरी तरीके से सज़ा नहीं हो जाती, तब तक भारत अपने प्रयास जारी रखेगा। इस बात को भी भारत को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए।